मैं सरप्राइज हो गया कि आप सब लोग यहाँ पे इतने ज्यादा तादाद में मौजूद हैं. आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू. सो वी विल वॉच द ट्रेलर हियर एंड देयर. सारी उम्र एक साथ गुजार सकते हैं? आपके हस्बैंड भी आप जैसे हैं? वो माचो मैन है, जिस्म से सोचता है और सिर्फ जिस्म के बारे में सोचता है. अपने जिस्म के बारे में सोचता है. यार यार का गम लेकर ना अपना सुख यार को दे देता है. ले आ फड़ा अपना दुख. तू रटो यार अग्गी दे रहा हूँ. तू तो ऐसे नाराज हो रही है जैसे मैंने चुम्मी कर ली. बोले बादशाह, लाइफ में कभी कभी ना कुछ नया भी एक्सपीरियंस करना चाहिए. इश्क ही रास्ता है, इश्क ही मंजिल है, इश्क ही है अपना रहबरा. तुम्हारे पीछे आ गया जानबूझ के. कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? सोल में ढूंढने से नहीं मिलता, नसीब मिलवा देता, बस पहचानना पड़ता है. Is this love? वो इसे कबूल करना पड़ेगा. नहीं करेगी वो कबूल, ये उसका हक है. मरनिच ते मारनिच, डैडी जा सकती है. बबली, बबली, बबली. सारे वो वेले तक जींदे रास हो, जी वेले तक असा जींदे हूं. जो हार्टथ्रॉब के साथ साथ विलेनस रोल्स भी कर चुके हैं और हर चीज बड़े जबरदस्त तरीके से. सो थैंक यू. सो आई विल गिव द माइक फर्स्ट टू अमीन साहब सो दैट ही कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड वी विल पास द माइक अलोंग एंड देन यू ऑल कैन आस्क योर क्वेश्चंस. सो थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सब लोग आए और इतना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. हम बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को आज मिस कर रहे हैं. सबसे पहले तो इसमें जो बबली देखी आयशा, उन्होंने ट्रैवल करना था वो नहीं है. गुलाम अहियुद्दीन साहब जो हमारे वेटरन एक्टर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक मीटिंग में जाना था लेकिन हमें चूंकि लॉन्च करना था ये और हम एक्सक्लूसिवली आप लोगों को इन्वाइट किया कि आपको दिखा सके. हमने कोशिश की है कि एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें थॉट प्रोवोकिंग चीजें भी हों एंटरटेनमेंट के साथ साथ, क्योंकि अब सिनेमा घर आना बहुत मुश्किल हो गया. जब हम सिनेमा घर में आकर उठकर घर वापस जाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ साथ लेकर जाना चाहते हैं जो हमारी जिंदगियों में भी कुछ अच्छा असर डाले. ये 3 साल पहले हमने कॉन्सेप्ट सोचा, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले साहिर अफजल जी का, जिन्होंने अमेरिका से डॉलर लाए और पाकिस्तान में जाया.
तो उम्मीद है कि ये दोबारा भी फिल्म बनाए। एहसन का बहुत शुक्रिया क्योंकि अब इधर ही है, तो इन्होंने इस चीज के लिए हामी भरी। काफी चैलेंज था उस वक्त, 3 साल पहले सब्जेक्ट को लेकर फिल्म बनाना बहुत मुश्किल था। ओटीटी उतना मकबूल नहीं हो रहा था हमारे मुल्क में और इस तरह का सिनेमा नहीं आ रहा था जो सिनेमा हम दिखाना चाह रहे थे। यूजुअली हमारे पास जो सिनेमा था उस वक्त वो बहुत ज्यादा ऐसे कॉमिक्स या ऐसे जोक्स के ऊपर था जो बड़ी सतही होते हैं, तो उस वक्त ये सिनेमा को देना एक चैलेंज था। लेकिन अब जाकर हम देख रहे हैं कि हम सब का एक टेस्ट जो है वो आगे भी बढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम हमें मिला कि जिसमें अब सब लोग हम दोबारा सिनेमा का रुख करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश पसंद आएगी और उम्मीद करते हैं कि अगर आप गाली भी देंगे तो टिकट खरीद कर देंगे जो भी सिनेमा देखेगा। तो थैंक यू सो मच सबका, मेरी टीम का, मेरे डीपी भी यहाँ पर है आसिफ यासीन, इमरान आ जा नहीं सके, तमाम टीम का जिन्होंने ये वेट किया और ये प्रोजेक्ट आज आपके सामने है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच अगेन। जी अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो प्लीज माइक दीजिएगा। मैं करूं? देखिए स्टोरीज तो पूरी दुनिया में चंद हैं जिनके ऊपर बार बार, स्पेशली इंडो पाक में अगर आप देते हैं, कुछ तो हम स्टोरीज पर टच ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, आवर सोसाइटी, जो कि हॉलीवुड में शायद टच हो जाती है फिल्मों की स्टोरीज, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बहुत सी स्टोरीज रिपीट ही होती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन, उनका स्टाइल, वो किस तरह से फिल्म को आप लेकर के चलते हैं, आई मीन रोमांटिक फिल्म तो रोमांटिक है बट उसका अंदाज क्या है रोमांस का, वो आप इस तरह वाला अंदाज आपने पहले नहीं देखा होगा, ये तो बात है। स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड होती है बहुत टिपिकल मैनर में वो नहीं दिखाया गया। अमीर भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में स्टोरी लिखी भी और उसकी एग्जीक्यूशन भी। ये फिल्म भी डबिंग करते हुए मैंने ज्यादा गौर से देखी बिकॉज हम जब कोविड की वजह से परेशान थे सब लोग, तो नेचुरली ये फिल्म जो थी ये रुकी हुई थी कोविड की वजह से और सायरा यूएसए में थी और सायरा वॉज वेरी वरिड। अमीन भाई की भी पहली चूंकि फिल्म है, सायरा जो प्रोड्यूसर फर्स्ट टाइमर है, कोई एक्सपीरियंस इस सेंस में नहीं है, बट जब आप फिल्म देखेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको लगेगा कि बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने, सेंसिबल समझदार लोगों ने ये फिल्म बनाई है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स। आप वंस यू वॉच द फिल्म, आई डोंट नो अबाउट द बिजनेस, पाकिस्तान का सिनेमा जितना बिजनेस करता है, क्योंकि वो एक लंबी डिबेट और बहस है कि यहाँ पे मैसेज के लिए मुझे लगता है सिनेमाज नहीं है, मुझे लगता है टिकट्स बहुत महंगी है हमारे मैसेज के लिए, आम लोग इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से ऑलरेडी महंगाई का रोना रोते हैं, तो एंटरटेनमेंट व्हेन दे हैव टू स्पेंड मनी सो दे नीड एक्स्ट्रा मनी टू एंटरटेन देमसेल्व्स, और इसीलिए सब फिल्में जो कोशिश होती है कि ईद पे आएंगे थोड़ा लोग बजट निकालते हैं, तो ये एक लंबी डिबेट है। बट आपके थ्रू ये बात भी अगर अक्रॉस चली जाती है कि मैसेज के सिनेमाज कहाँ हैं, जो आम फैमिलीज के लोग हैं, जो सफ़ेद पोशों से थोड़ी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो सिनेमा कैसे जाएंगे देखने के लिए जब टिकट्स इतनी महंगी होगी। हैविंग सेड दैट आई मस्ट से द फिल्म इज रियली नाइस यू गाइस। मैंने बहुत फिल्में क्योंकि पहले भी की हैं, अब भी कर रहा हूँ, कुछ और भी ऑफर है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ फिल्म, क्योंकि मुझे एज ए हीरो मुझे मेरा एक फेवरेट पार्ट जो फिल्म में होता है वो गाना पे चला इस गाना में, क्योंकि जब आप हसीन गाना एक हसीन वादी में हसीन लड़की के साथ पिक्चराइज कराते हैं तो उसका एक अपना ही मजा होता है, और जब गाना अच्छा हो तो यू एंजॉय। दिस फिल्म हैज ग्रेट म्यूजिक, आई मीन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू जस्ट हर्ड वन सॉन्ग जो रहबरा का एक बेटे, इसमें राहत फतह अली खान साहब का एक गाना है जो बहुत खूबसूरत है, सैड सॉन्ग, एक वेडिंग सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा स्टोरी का अनफोल्ड होने का तरीका, जिस तरह से हमें शूट यानी पिक्चराइज किया पूरे फिल्म को, That's also very nice. And I am the kind of actor because मैं इसी फील्ड में तकरीबन 2 दहाइयों से मैं मुंसलिक हूँ, और मैंने ये सीखा है कि आप लोगों से ऑनेस्टली जितना पेश आए, ऑनेस्ट हों अपने काम के बारे में, उतना आपका फ़ायदा होता है। तो मैं कभी भी किसी चीज़ की एक सतही सी चीज़ की तारीफ कभी भी नहीं करूँगा खुद से बैठ के, और मैं ये बताना चाहूँगा कि हाँ एक चीज़ एवरेज है, कबाब एवरेज है, एक अच्छी है और एक बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह चक्कर आप लोगों को पसंद आई हमारे भाइयों ने कहा, उसी तरह आप इस फिल्म से हर किस डिसअपॉइंट नहीं होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। उसने सबको सलाम भेजा है, आई थिंक पर्सनली भी वो सबको नो सो वी आर मिसिंग ऑल ऑफ देम एंड डेफिनेटली आई फेल द मोस्ट बिकॉज़ शी इज द बबली
Having said that, why I made this movie, it was not an easy decision. It was a long process to decide what I would like to do as far as in Pakistan. In US, I have been living for over a couple of decades, so I wanted to do something in Pakistan. And it took a while, and everybody said the same thing, ki property mein kyun nahi karte? So I thought property isse banaungi. Good. So I wanted to get this intellectual property to make a real estate property. So that's what I wanted, but I also wanted to do something creative. Because creative in Pakistan, mein, I wanted to experience, is it possible to do something? Because everybody told me it is not possible. Ke wahan se yahan pe nahi karna. But I wanted to try because I do believe that unless I experience myself, I'm not going to go by what others say. And that's why I decided to do this. And I'm extremely happy that we are here today. And I want to thank each and everyone in our team. And definitely, Amin Iqbal and Hassan who are here today. Amin and I, we actually worked throughout, so I definitely want to thank him a lot